हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वाई कैन आईपी इंटरनेशनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाई कैन आईपी इंटरनेशनल क्या है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। वाई कैन आईपी इंटरनेशनल एक ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि ई कॉमर्स के बारे में आपको बहुत कुछ सिखा रही है, ठीक है। और साथ में आपको ई कॉमर्स की सर्विस भी प्रोवाइड करती है और आपकी हेल्प भी करती है एनीथिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो किसके लिए होने वाला है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट आज हमारा ये है कि मैंने पहले भी दो तीन वीडियो अपलोड किया है इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि शोपी का जो पेमेंट सिस्टम है सप्लायर्स के लिए, वीडियो जो है सेलर्स के लिए होने वाली है आज भी, और ये होने वाली है बैंक रिजेक्टेड के लिए, ठीक है। अगर आपका स्टेटस, अगर आपने जो अकाउंट है वो बैंक स्टेटस रिजेक्टेड स्टेटस पे आपका, ठीक है, उसी के लिए आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आप उसका सोल आउट कैसे करें, और अगर बैंक रिजेक्टेड स्टेटस पे है और काफ़ी टाइम हो गया है वो सोल आउट नहीं हो रहा, तो आपको पेमेंट कैसे आएगी, ठीक है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, मैंने पहली वीडियो करी थी कि जो आप बैंक रिजेक्टेड स्टेटस हुआ तो आपको क्या करना है। दूसरी वीडियो भी मैंने इसी रिगार्डिंग फिर से अपलोड की थी कि आपको फिर से क्या करना है। एक तीसरी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी जहाँ पे मैंने बताया था कि मैनुअल पेमेंट के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो मैनुअल पेमेंट के लिए, बस जस्ट ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपका बैंक रिजेक्टेड स्टेटस पे है तो वो फॉर्म आपको कम फिल करना ही करना पड़ेगा। वो मैंडेटरी था, अनाउंसमेंट में भी आया हुआ था, ठीक है गाइज, और ऊपर स्लाइडिंग में भी आया हुआ था फिलअप फॉर्म, ठीक है, और अब तक चल ही रहा था। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि जो वो फिलअप फॉर्म का ऑप्शन है वो एक्सपायर हो चुका था, वो जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उसी दिन एक्सपायर हो गया था एक्चुअली, ठीक है। तो घंटे पहले तो एक्टिव था, उसके बाद जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो वो उस टाइम तक एक्सपायर हो चुका था। तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक्टिव होगा लिंक फिलअप फॉर्म का तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइज, मैंने जैसे बता रहा हूँ विद इन 24 आवर्स वो जो फिलअप फॉर्म की जो लिंक थी वो एक्टिव हो गई थी, ठीक है। तो आप फिर से, अगर आपका बैंक अकाउंट रिजेक्टेड स्टेटस पे है तो आप पोर्टल पे ही जाकर फिर से दोबारा से आप फिलअप फॉर्म पे क्लिक करके, या फिर अनाउंसमेंट में नीचे जो पेमेंट विड्रॉल इशू पे है उस पर क्लिक करके आप फिलअप फॉर्म कर सकते हो। जो वहाँ पे फॉर्म में क्या क्या था मैं आपको बता दूँ, आपको वहाँ पे अपना बैंक का डिटेल्स ही प्रोवाइड करना है, ठीक है, और एक कैंसिल चेक अटैच करना है नीचे PDF में, और एक आपको GST, जो आपका GST है उसका PDF आपको डाउनलोड करके, जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। वो आपको तीन चार चीज़ें पूछेगा, आपका आपका नाम क्या है वहाँ पे, ठीक है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपकी फर्म का नाम होगा, और अगर सेविंग है तो आपका नाम होगा। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, इसके बाद IFSC कोड, इसके बाद पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, आपका GST रिजेक्टेड है या फिर आपका बैंक अकाउंट रिजेक्टेड है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट रिजेक्टेड है, और नीचे आपसे दो फाइल मांगेगा, आपको PDF बना के वो अपलोड कर देनी है, इसके बाद सबमिट कर देना, बस इतना सा आपको काम करना है, ठीक है भाई। इसके बाद मैं आपको बताओ, आपने इतना कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है पेमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि रिजेक्टेड स्टेटस पे है तो आप पेमेंट क्या करेंगे। गाइज, एक टेक्निकल इशू है, सभी को ये नहीं फेस करना पड़ रहा, हो सकता है मतलब 30-40% सप्लायर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके अकाउंट में नहीं जा पा रही पेमेंट्स इजी की वजह से, क्योंकि उनका बैंक रिजेक्टेड स्टेटस पे है, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है गाइज, ये जो प्रॉब्लम चल रही है मैं आपको बता दूँ, ये करंट अकाउंट्स में हो रही है, सेविंग अकाउंट्स में बहुत कम होता है ये, ठीक है। अगर आपको पेमेंट्स चाहिए कि आपको डायरेक्ट अकाउंट में चाहिए और आपको करंट अकाउंट को कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आप तब तक ये रिजोल्यूशन नहीं होता तब तक आप सेविंग अकाउंट में पेमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई करें कि सेविंग अकाउंट में पेमेंट ले, और अगर तब भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, और आपने फॉर्म फिल किया है तो फिर तो आप ट्राई ना करें, मैं आपको ये कहूँगा। और फॉर्म फिल भी कर दो तब भी आप ले सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन है, बैंक आप कितने उसमें दो तीन तो ऐड कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जिसमें सेटल करना चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप बता सकते हो, बैंक फॉर्म तो जस्ट बताने के लिए है कि सर मैंने, मेरा अकाउंट वो भी है और वो रिजेक्टेड स्टेटस पे है, ठीक है। तो मैनुअल पेमेंट आपको कैसे करनी है, अगर आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही तो आप पहले, सबसे पहले तो सेविंग ट्राई करें, तब भी नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब ये फॉर्म फिल कर लोगे आपको एक मेल रेज करना है, एक मेल ड्रॉप करना है शोपी सपोर्ट कस्टमर केयर पर, जो मेल है help@support.shopee.in, आपको इस पर मेल करना है, उन पर ही आपको ये लिखना है कि मैंने जो फॉर्म है पेमेंट इशू का वो मैंने फिल भी कर दिया है, और मेरी जो पेमेंट है वो अभी तक पेंडिंग है, नहीं आ रही मुझे ऐप, बिकॉज मेरा बैंक जो है वो रिजेक्टेड स्टेटस पे है, ठीक है। तो आपको उनको बताना है कि मेरा जो बैंक रिजेक्टेड स्टेटस पे है, मैंने पेमेंट का फॉर्म भी फिल कर दिया, तो मुझे रिजोल्यूशन दो कि ये मेरा जो बैंक अकाउंट है कब तक एक्टिव हो जाएगा, और जब तक ये एक्टिव नहीं होता मुझे आप पेमेंट करने की कृपा करें। आप उसको मैनुअल पेमेंट लिख सकते हो कि मुझे आप मैनुअल पेमेंट करने की कृपा करें, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप उस पर लिखोगे तो आपको भी 72 आवर्स मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपको उधर वापस एक मेल आएगा, तो वो मेल में आपको बताएंगे या तो आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपको कुछ टाइम तक, जब तक रिजोल्यूशन नहीं होता आपको मैनुअल पेमेंट करेंगे, ठीक है। मैनुअल पेमेंट में सबसे पहले आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे, 1-2 रुपये आपके पास आएगा, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है, 1 रुपये, कुछ पैसे, 2 रुपये, कुछ पैसे, कुछ भी एनीथिंग, 5 रुपये तक। इसके बाद आपकी मैनुअल पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो हर 3-4 दिन में आपको पेमेंट भेजते रहेंगे, वो तब तक ऐसे आती रहेगी जब तक आपका अकाउंट रिजोल्यूशन नहीं होता।
जब आपका अकाउंट रिजोल्यूशन हो जाएगा मैनुअल पेमेंट रुक जाएगी, फिर आप बेनिफिशियरी ऐड हो जाओगे, ठीक है। जैसे ऐड हो जाओगे शॉपिंग यहाँ पे तो आपके पास पेमेंट्स तुरंत हैंड टू हैंड आ जाएगी। जैसे आप विड्रॉल करोगे तो आपका विड्रॉल फेल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, प्रॉब्लम यही थी कि विड्रॉल आपका फेल होता रहता था। अगर आपका रिजेक्टेड स्टेटस पे है अकाउंट तो आपका विड्रॉल फेल होगा, ठीक है। तो इसको मैं वीडियो को अभी बता सकता हूँ कि आप विड्रॉल फेल वाले भी वीडियो को बिल्कुल देखना चाहिए उनको भी, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है एक्चुअली, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो प्रेस बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए और आपको वीडियो की जो अपडेट है तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है गाइज। वेलकम, थैंक यू, बाय बाय।